भारत का सबसे बड़ा एकीकृत हाउसवेयर और होम अप्लायंस व्यापार मेला वाइब्रेंट इंडिया के 10वें संस्करण का आयोजन दिल्ली के द्वारका स्थित यशोभूमि में 19 जुलाई से 21 जुलाई 2024 तक होगा। वाइब्रेंट इंडिया इवेंट सॉल्यूशन द्वारा आयोजित यह एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन है जिसमें हाउसवेयर, किचनवेयर, टेबलवेयर, होटलवेयर, ग्लासवेयर, प्लास्टिकवेयर, थर्मावेयर, बर्तन, रसोई के उपकरण, क्रॉकरी, घरेलू उपकरण और स्टेनलेस स्टील उद्योग शामिल है। 3 दिवसीय इस प्रदर्शनी में लगभग 500 से भी ज्यादा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शकों की भागीदारी की उम्मीद है। ये जानकारी पत्रकारों के बीच वाइब्रेंट इंडिया के एमडी और वाइब्रेंट इंडिया एक्सपो के आयोजक नरेंद्र दिवाकर ने दी। नरेंद्र दिवाकर के अलावा मैक्स फ्रेश के प्रबंध निदेशक भावेश जैन, जगदम्बा कटलरी के प्रबंध निदेशक पवन कंसल, यूनाइटेड मेटालिक प्राइवेट लिमिटेड के अरिफ और स्टेनलेस बाजार के जितेंद्र अग्रवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। रसोई के उपकरण उद्योग में प्रसिद्ध ब्रांड मिस्टर कुक इस 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के मुख्य प्रायोजक के रूप में भाग लेगा। यूनाइटेड मेटालिक ग्रुप के एमडी और मिस्टर कुक के मालिक नवेद नौशान ने घोषणा की कि उनके डीलरों से प्रेशर कुकर और कुकवेयर की श्रृंखला के लिए अत्यधिक प्रतिक्रिया मिलने के बाद मिस्टर कुक अब छोटे घरेलू उपकरणों की एक पूरी श्रृंखला लॉन्च कर रहा है। वो हरिका के लिए 60 लीटर तक के बड़े आकार के प्रेशर कुकर भी लॉन्च करे हैं। मुख्य प्रायोजक मिस्टर कुक भारत के सबसे बड़े समेकित हाउसवेयर और होम अप्लायंसेस व्यापार मेला वाइब्रेंट इंडिया 2024 में सभी प्रतिभागियों का समर्थन एवं इसमें भागीदारी के लिए प्रसन्नता जाहिर की। 19-20-21 को जो वाइब्रेंट इंडिया का एग्जीबिशन लगने जा रहा है वो यशोभूमि द्वारका में लगने जा रहा है। यशोभूमि द्वारका जो एक एग्जीबिशन सेंटर बना है उसमें सारी सुविधाएं हैं, रोड की कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है, लोकल कोई डिस्टरबेंस नहीं है और जो हमें आशाएं हैं दिल्ली के व्यापारियों से, क्योंकि ये B2B एग्जीबिशन है, पब्लिक एग्जीबिशन नहीं है, तो हमें चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा जो यहाँ के व्यापारी हैं, डीलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म है, बाइंग हाउसेज हैं जो कि पूरी दुनिया के बाइंग हाउस यहाँ पे दिल्ली और NCR में हैं, उनको हम लोगों ने इनवाइट किया है, वो लोग सुविधा से आ जाएं और ये व्यापार में बढ़ोतरी हो, ऐसी हमारी कामना है। लगभग कितनी कंपनियां लगभग 100 से ऊपर जो है कंपनियां एग्जीबिशन में है। और आम जो दिल्लीवासी हैं, द्वारकावासी हैं, उनको क्या कुछ फ़ायदा? ये B2C एग्जीबिशन नहीं है, तो इसमें जो है B2B है, तो बिजनेस टू बिजनेस, तो इसी ट्रेड के जो बड़े व्यापारी हैं वो लोग ही आएंगे। NBC न्यूज़ के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।